हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल करियर। ऑन फ्रेंड्स, निशा गोरगन के बाद एक वीडियो और वायरल हो रहा है ब्यूटी खान का, जिसपे टिकटॉक पे उनके लगभग 21-22 मिलियन फॉलोवर्स हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है। क्या वो फेक है या रियल है, उसका पता करने के लिए हमने बहुत सर्च की। आखिर क्यों इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है? चलिए फ्रेंड्स, उस क्यों का जवाब मैं देता हूँ। क्यों अपलोड कर रहे हो, बता रहे हैं कि वो ब्यूटी खान ही हैं, लेकिन इस चीज़ की असली जो बात निकल के सामने आई है वो क्या है कि उस वीडियो के अंदर दिखाया गया है, जो बहुत ही गंदी वीडियो बनाई गई है, बद्दी वीडियो बनाई गई है ब्यूटी खान की, वो भी एक टिकटॉक स्टार है जैसे निशा गोरगन है। निशा गोरगन की तो कन्फर्म हो गया कि वो उसकी खुद की थी, क्योंकि काफ़ी उनके सबूत ऐसे मिल चुके हैं। लेकिन इनकी जो वीडियो है वो ऐसी नहीं है, क्योंकि उनकी वीडियो वायरल होने के बाद डुप्लीकेट वीडियोस बनाई जा रही हैं, फेस उस पर लगाया जा रहा है वैसा है। लेकिन उसमें एक गलती कर दी उन्होंने। गलती क्या है कि यहाँ पे आपको जो फोटो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसमें आपको दो फोटो है, एक तो ब्यूटी खान की और एक जो फेक वीडियो बनाएगी उसकी है। ये एक्चुअल में फेक ही है। उनको जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, टिकटॉक स्टार्स हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा उनके जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इनकी कोई भी वीडियो ये टिकटॉक पे डालते हैं तो लगभग मिलियन में बिलियन में इनके व्यूज़ आ रहे हैं। तो इनसे जो व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए कुछ यूट्यूबर्स अपनी तरफ से ओपिनियन बना के ये वीडियोज़ डाल रहे हैं कि ये हो रहा है कि ये हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो सच्चाई है, जो मैं कह रहा था कि इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे जो फोटो दिखाई देगी उसमें एक तो ब्यूटी खान है और एक जो फेक है वो है। जो ब्यूटी खान है उसके जो नाक के नीचे, तो उसके यहाँ पे देखो और इसका यहाँ पे देखो, मिला के देखो कि किस में क्या समानता है, तो ये तो दूर दूर तक ही मैच नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फेक है, यानी कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये कोई रियल नहीं है। बाकी और कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में उनकी वीडियो या किसी और की है। लेकिन अभी तक जो वीडियो मिली है, कुछ यूट्यूबर्स दावा कर रहे हैं कि ये उन्हीं की है, लेकिन ये वीडियो उनकी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो सबूत मिला उसके आधार पर हम नहीं कह सकते ये कि उनकी वीडियो है। निशा गोरगन की तो आपने पहले वीडियो देखी होगी, उसके अंदर तो उनका सब कुछ मैच हो चुका था, लेकिन उन्होंने तो पता नहीं कैसे अपलोड कर दी, खुद ही अपलोड की हुई है वो वीडियो। लेकिन इनकी ये वीडियो मैच नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये वीडियो उनकी नहीं है। थोड़ी सी झलक मैंने वीडियो के शुरुआत में भी दिखाई थी आपको। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपका क्या कहना है? खराब हो गया यार, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मैंने किसी को कुछ बोला।